राजधानी भोपाल में गोकशी की घटना सामने आई है। यह घटना हुजूर विधानसभा के गांधीनगर क्षेत्र में घटित हुई है। हालांकि इस घटना के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि गोकशी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उनके खिलाफ गोकशी कानून एनएसए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस तरह की घटना करने वाले लोगों के घरों को भी तोड़ने की बात कही है। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से निंदनीय घटना है। इस तरह की गांधीनगर अब्बास नगर एक बस्ती है जहां पर तीन मुस्लिम युवक गोकशी करते पकड़े गए हैं और मेरे को जब सूचना मिली तो मैंने तत्काल गांधीनगर पुलिस को सक्रिय करके तुरंत छापामार कार्रवाई करने का कहा और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। रंगे हाथ अपराधी पकड़े गए हैं। उनमें जो तीनों अपराधी हैं, एक नौशाद है, इसाद है और एक और जावेद का है, तीनों अपराधियों के खिलाफ पुलिस गोकशी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो पशु क्रूरता अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई उन पर प्रस्तावित की गई है और एनएसए की भी कार्रवाई की है। और हम मैं ये चाहता हूं क्योंकि ये गोकशी केवल ये इस तरह से एक तरह से उनका मांस खाना ही प्रवृत्ति नहीं है बल्कि देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना भी उनकी हरकत हो सकती है और ये भी हो सकता है कि उसके पीछे और बड़ी गैंग निकले। तो हमने पुलिस से कहा कि पूरी पूछताछ करो, हाथ पैर तोड़ो, इनका इलाज करो, शासन और नियम कानून का पूरा पालन कराओ, इनके घर ध्वस्त कराओ और भविष्य में इस तरह की कोई हरकत मध्य प्रदेश की धरती पर ना कर सके, ऐसा कार्रवाई करो जिससे लोगों को इस बात की डर और दहशत पैदा हो। और ये कार्रवाई करने के लिए हमने प्रशासन से मांग भी की और कहा भी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।